गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट का अंतिम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है व्यय विधि। व्यय के माध्यम से हम किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री which are meant for final consumption and investment in an accounting year। जो हमारे देश के domestic घरेलू भूभाग में जो final goods and services produced हुई हैं, उन पर जो व्यय किया गया और जो उसी वर्ष में final consumption, final अंतिम उपभोग और निवेश के लिए है। कहने का मतलब है कि एक accounting year में अपने देश के घरेलू भूभाग में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं और जिनका तात्पर्य अंतिम उपभोग और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो उन सब पर किया गया व्यय वो व्यय विधि के अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज अ सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। इस मेथड ये मेथड किस किस चीज को मापता है? नेशनल इनकम को, जो पूर्णतः व्यय किया गया है किस किस आइटम पर, हाउसहोल्ड्स के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और फॉरेनर्स विदेशियों के द्वारा। इन सभी के द्वारा जो अंतिम पूर्णतः खर्चा जो किया गया है उनका टोटल इस मेथड के अंतर्गत नेशनल इनकम का मापन करता है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स, अब इस अंतिम व्यय के कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर वन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PFCE भी कह सकते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसके अंतर्गत एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर टाइप्स। तो ये सारा व्यय जो हाउसहोल्ड्स के द्वारा किया गया और जो निजी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, निजी वो संस्थाएं जो प्रॉफिट रहित हैं, जो हाउसहोल्ड्स की सेवा करती हैं हर तरीके से, उन सभी पर किया गया व्यय आता है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली, एक परिवार के द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय, मतलब जितने भी हाउसहोल्ड्स निजी फाइनल कंजप्शन है, जो पूर्णतः कंजप्शन एक्सपेंडिचर है निजी तौर से किया गया, वो सभी सारा का सारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसकी शॉर्ट फॉर्म GFCE। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड एजुकेशन। अब ये है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जो गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के कार्यों पर खर्चा करती है, तो वो व्यय जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है विभिन्न प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवाओं पर, जैसे सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था, इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया संपूर्ण व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अगला है, अच्छा एक चीज मैं आपको और यहां क्लियर करना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है विभिन्न आइटम पर, तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज का कल्याण करना होता है। जैसे डिफेंस, सुरक्षा लगाई हुई है, तो वहां उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए उसकी सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है, कानून व्यवस्था मजबूत बनानी है, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करना है,
जैसे गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करती है, उसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स अर्न करने का उसका कोई इरादा नहीं होता. ये जितनी भी चीजें हमने देखी है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन की गई है वो सारी समाज के कल्याण को ही ध्यान में रखते हुए की गई है. थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण. इट इज एन एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. ये एक अर्थव्यवस्था का पूंजी स्टॉक में एक वृद्धि है. जैसे परचेज ऑफ अ मशीन और रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट बाय अ फर्म. कोई फर्म एक अपनी प्रोडक्शन यूनिट में जहां वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है, उसमें इंस्टॉल की, या तो कोई फ्रिज इंस्टॉल किया गया या कोई मशीन इंस्टॉल की गई, तो उसकी जो परचेजिंग होगी वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगी. शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, कि कोई भी मशीनरी जो वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, किसी प्रोडक्शन यूनिट में इंस्टॉल करनी है, उसकी जो खरीदारी है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा, इसके भी टू कंपोनेंट्स हैं जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है. नंबर वन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन. शुद्ध ये जो ग्रॉस सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इसमें कोई चेंज नहीं होता. फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड आइटम खरीदा गया है. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जो स्थिर संपत्ति है उनके परचेज करने पर, उनकी खरीदारी पर किया गया खर्च इनके अंतर्गत आएगा. स्थिर असेट्स को जो खरीदना है जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं लगते, फिक्स कर देनी है. कोई भी प्लांट्स या मशीनरी लगा रहे हैं उसको फिक्स कर देना है. सेकेंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है माल सूची निवेश, जो हमारे पास अंतिम स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है. थर्ड पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे हम? शुद्ध निर्यात, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, निर्यात में से आयात को माइनस करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर, एक वर्ष के समय में पूरे देश में जितना एक्सपोर्ट्स हुआ, निर्यात हुआ और पूरा जो आयात हुआ, उसका जो अंतर है वो हमारा शुद्ध निर्यात कहलाता है. एक चीज और आप समझ के चलिए कि ओनली एक्सपोर्टेड गुड्स आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी, इन द नेशनल इनकम. एक अर्थव्यवस्था में, एक राष्ट्रीय आय में केवल एक्सपोर्टेड आइटम्स, जो निर्यात की हुई आइटम है, वही इंक्लूड किए जाते हैं. इसका रीजन यह है कि एज दे आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि जो आइटम्स एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं उनका प्रोडक्शन देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में घरेलू भूभाग के अंतर्गत प्रोडक्शन हुआ है, हमारे देश के ही किसी न किसी हिस्से में उनका प्रोडक्शन हुआ है, और इसीलिए उनको एक्सपोर्टेड आइटम्स को इंक्लूड कर दिया जाता है. और इंपोर्ट्स आर डिडक्टेड टू ऑब्टेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. और जो इंपोर्ट्स है वो जो आयात है वो हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए उनका डिडक्शन कर दिया जाता है, उनको माइनस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. क्योंकि इनका प्रोडक्शन देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू भूभाग में नहीं हुआ है, बल्कि तो हमने इम्पोर्ट्स किया, दूसरे देशों से मंगाया है. जो दूसरे देश, जो अदर कंट्री से मंगाया है, तो उनका प्रोडक्शन वहां हुआ है. तो इसीलिए इम्पोर्ट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी. तो जो इम्पोर्ट्स होते हैं, जो आयात होते हैं, उनको कभी भी देश की इकोनॉमी में या नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता.
क्योंकि प्रोडक्शन अपने देश के है ही नहीं, ये तो हमें दूसरे देश से आयात किया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वीडियो